उस्ताद सलाम, आप यहाँ कैसे? अरे चाचा, आपको भगाने आए हैं। आप आए हैं तो भाग ही जाएंगे। हाँ भाई, अब उस्ताद आए हैं तो भाग ही जाएंगे। भागना और राणा प्रताप की जेल से? अरे राणा प्रताप की जेल हो या किसी और की जेल हो, ये 4 दिन से ज्यादा किसी जेल में रुक ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। तो फिर लगी एक एक बीड़ी की शर्त। हाँ लग गई। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुजदिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं, अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ये लो। बोलो, ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं चंबल में लेटा। सोने दो उसे। क्यों? ये क्या कर रहा है? लो लो लो, दे 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 दे। चक्कर क्या है ये? कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। चल। गधे ने दुलती बहुत जोर से मारी। घूरता भी है साला। पल्लू और अनु पर लात चलाता है। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो। चला जा बोलो।
ये राणा प्रताप की जेल है। यहाँ के कायदे और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। भयानक से भयानक मुजरिम भी यहाँ आकर हमारे कहते ही शराफत की चादर तान कर सो जाता है। जो ऐसा नहीं करता। क्या क्या बे स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फट फट। अरे मोटू बहुत बदमाश है तू साला। ये बोलो पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रोब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर, जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जान जाओगे मैं खड़ा पाओगे फर्ज की एक दीवार बनकर। कच्ची रोटी खाते खाते यार क्यों मार रहे हो इसे? ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछ दो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है। यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपर सिंह नहीं। ये ए बंदूक है यार, बंदूक। नमस्ते सर। तुम दोनों यहां? सर वो तू बोलना यार। सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहो क्या कहना है? सर हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए।
तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए। कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही बोलता है सर। सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये जेल है, किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं। जब चाहे वार्डन से जाने की इजाजत ले ली। हम जानते हैं सर, लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। ये कानून के खिलाफ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ। सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं, वरना अब तक तो कब के जेल से भाग गए होते। तुम दोनों दिल के अच्छे हो, इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दिया जाता है। सर आप हमारे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए सर, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। देखो हम तुम्हें ना तो जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम तुम्हें जेल से भागने देंगे। बाकी रहा अनाथ आश्रम के बच्चों की हिफाजत का सवाल, हम उनकी हिफाजत का वादा करते हैं। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांटकर क्यों, ठीक है ना? साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। अरे काय को मारता है सर? अरे अरे मत मार, छोड़। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं सर, पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। ए खबरदार, क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा, जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर ये इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। For your kind information, जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा, फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फरार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतार कर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। इस तरह जेल से भागकर आप दोनों ने अच्छा नहीं किया।
जेलर साहब बेचारे क्या सोचते होंगे। बेगुनाह विवेक को जेल में देखकर हमारा खून खा लोटा उसने बना, उसे फंसाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका मकसद है विवेक को बेगुनाह साबित करना, किसी का खून करना नहीं। उसने मानो ठीक कह रही अनवर, बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अनवर और बलबीर जेल से भाग गया, हमको मारेगा प्राइम मिनिस्टर, तुमको नहीं छोड़ेगा। उल्लू का पट्टा यार शक्ति, कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मुंह लगा लेते हो यार। अरे भंडारी, लैला की खातिर लैला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ता है। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तस्वामी को कुत्ता बोला जी, तुमको नहीं छोड़ेगा जी। ए, तेरे को चढ़ गई है, चल जा यहां से। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तस्वामी को कुत्ता बोला जी। तेरे को कुत्ता नहीं बोला, तू जा यहां से, जा जा जा, जा। हमको कुत्ता बोला जी, मुत्तस्वामी को कुत्ता बोला जी। कितनी बार बोला तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं, तू चल यहाँ से। मुत्तस्वामी को कुत्ता, अरे तू कुत्ता नहीं है, तू शेर है, काला शेर है, तू चल चल चल, काला शेर, चल चल। एक बार निशा की सारी दौलत हाथ में आ जाए तो इस साले को तो वाकई कुत्ता बना दूंगा। सारी दौलत नहीं प्यारे, आधी आधी दौलत का हिस्सा तो मुझे मिलेगा। शादी मैं करूं, हाँ, सारी जिंदगी निशा का बोझ मैं उठाऊं, और आधी। मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया, शादी की बात करने मैं गया, उसकी मां के खून का झूठा गवाह मैं बना, अदालत में अगर मैं सच्ची गवाही दे दूं तो। नाराज क्यों होते हो प्यारे, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है। बहुत कीमत है प्यारे, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी की, तुम्हारी सेवा की, क्या मिला है? गालियां, मुत्तस्वामी को कुत्ता बोला, हमको कुत्ता बोला, कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम्हारा दोस्त शक्ति सिंह जी, वो शक्ति सिंह चोर, फ्रॉड, बेईमान, सारा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे कहाँ जाएगा? तुमको तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अयो मालिक बोलता जी, नमस्कारम, मालिक नमस्कारम। तुम? हाँ, तुम्हारे मालिक ने भेजा जी। हमारे मालिक ने भेजा जी? हाँ। आयो मुरारी, इमीडिएट रिएक्शन, मालिक कैसा जी? बहुत अच्छा है जी, तुमको रोज याद करता है जी। याद करता? हाँ। है चलना जी, चलना जी। आयो क्या हुआ? ऐसा कैसा चलना जी? क्या हुआ? पैसा मिलना जी, घर बनाना जी, शादी करना जी, फिर चलना जी। पहले मालिक के खूनी का पता चलना जी, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी। पता चल गया जी? कौन जी? खूनी शक्ति सिंह, खून करके विवेक को फंसा दिया। अच्छा? हाँ। विवेक को उसने नहीं, तुमने फंसाया। तुमको भी मालिक ने भेजा जी? मालिक ने नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने भेजा है तुम्हें जेल में बंद करने के लिए। अयो जेल तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा जी। अब तुम देखोगे, जेल जरूर देखोगे, वहां चक्की पीसोगे, हंटर पड़ेंगे तुम्हें। अयो कैसा बोलता जी? हाँ ठीक ही बोलता है जी, हंटर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे साला। मुत्तस्वामी, अयो हमारा लगी खराब है जी, जेल तो कभी नहीं देखा जी। मुत्तस्वामी पैसा हो ना ले, शादी हो ना ले, घर हो ना ले, अब जाए जेल में।
मगर हम तुम्हें बचा सकते हैं। बचा लेने सर। बचा ले? हाँ, मगर हम जो बोले वैसा करना। करना सर। जो भी बोले वैसा ही करना। जो बोलना करना सर। सर बचाना सर। पैर किधर सर? सर। अरे मुत्तू स्वामी तुम आओ, बोलो क्या बात है? सर मिठाई सर। मिठाई? किस खुशी में? जन्मदिन सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? मेरा नहीं है, आपका दोस्त शक्ति सिंह का जी। हाँ। खाई खाई। शक्ति खुद क्यों नहीं आया? भंडारी यार। नेता भंडारी, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो वो लड्डू मत खाना। शक्ति सिंह ने तुम्हें मारने के लिए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द साला। हेलो हेलो हेलो, मुत्तू स्वामी। ये सर, ये लड्डू तुम खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा सर। इसमें जहर है इसलिए। नहीं नहीं जी नहीं सर। हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, वो आपका दोस्त शक्ति सिंह ने हमको भेजा जी, माफ करो। नमक हराम गद्दार शक्ति, मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। उस हरामजादे भंडारी की है मजाल, हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता हमें काटना चाहता है। काटना नहीं, मारना चाहता है। आपको हवालात में बंद करना चाहता है। कहता है आप चोर जी, आप बेईमान जी, आप फ्रॉड जी। बकवास करता साला, पलिया की दुकान चलाया करता था, हमारी दौलत ने हमारी ताकतों से वोट दिलवाए, हमने उसे नेता बनाया, नेता हमने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, और आज वो हमसे टकराना चाहता है, ठाकुर शक्ति सिंह से टकराना चाहता है। आप सिर्फ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खानदान को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जुले। यस सर। भंडारी का कल का प्रोग्राम क्या है? सर वो कल बाली केतन के फंक्शन में जाने वाले हैं। फंक्शन में जाएगा साला? फंक्शन में जाएगा माला पहनेगा? हम बनाएंगे तेरे को माला, कल उसके गले में ऐसी माला पहनाई जाएगी जिसके अंदर बम होगा, और उस बम का धमाका उसकी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा। इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी आंखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया। अनाथ आश्रम की बर्बादी से लेकर निशा की मां की मौत तक मैं हर जुर्म में शक्ति सिंह का बराबर का साथी रहा हूं। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूं जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हम तो आपके एक मामूली से मुलाजिम हैं। आइए। मैंने इतने छोटे कर्म किए हैं कि सात जन्मों का पछतावा भी शायद मुझे माफी ना दिला सके। प्रायश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं,
बेकसूर और मासूम विवेक जो इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा है, आपके सच्चा बयान देने पर रिहा हो सकता है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है, इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर, जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हाँ, बुलाइए। आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी? जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते? नहीं नहीं, उसकी स्वर्गवासी माँ ही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की माँ का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की माँ इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की माँ का खून कर दिया। यह झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर माँ जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जाम के मुताबिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जाम सच हैं योर ऑनर, इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह। निशा, निशा, Thank you.
स्कून से तेरे पापों की बू आ रही है कमीने। और सुन, इस धरती पर पापी पैदा तो होते हैं, लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को ये धरती मां पहले ही जन्म दे चुकी होती है। अरेस्ट हिम।